प्रबल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब वो संभाल लेता है। विश्वास के बल पर संभाल कर। एक बात इस बैतुल नगर के पावन प्रागण्य में कहना चाहेंगे, जब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर जब वापिस चढ़ाओ तो यह मत सोचना कि यह दूसरे की बेलपत्री है, मैंने मेरे महादेव से मांगी है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सब उसी का तो है, उससे मांगकर उसको दे रही हूं, ये बेलपत्री भी उसकी। हम क्या दे रहे हैं भगवान? बेलपत्री का पेड़ वृक्ष दूसरे ने लगाया, उसकी पत्ती तोड़कर हमने महादेव को चढ़ाई। कभी हमारे भीतर भी तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मैं एक दिन मर कर चली जाऊंगी, अपने आप को अमर कैसे बनाऊं? कहीं अगर मैं 2-5 लाख रुपए दान कर दूंगी तो पत्थर पर लाइन, पत्थर पर नाम लिखाएगा। अगर मैंने 25-50 हजार रुपए दान कर दिए तो पत्थर पर नाम लिखाएगा, पत्थर पर भी धूल चढ़ जाएगी, वो पत्थर थोड़ी ना भगवान पर चढ़ेगा। अपने आप को मैं अमर कैसे बनाऊं? तो एक बेलपत्री का पेड़ ऐसा लगा कर चली जाऊं जिसकी पत्ती टूट कर मेरे महादेव पर चढ़ती रहे। प्रत्येक कथा में, प्रत्येक कथा के अंतर्गत इस व्यासपीठ से हर बार एक बात कहते हैं कि प्रयास करो अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष का निर्माण ऐसा करो कि उसकी पत्ती टूटकर मेरे महादेव के चरणों में जाती रहे, हम रहे ना रहे पर तेरी सेवा होती रहे। बस बहुत झूठा संसार, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया इतने मतलबी लोग हैं संसार में, आगे बैठने के चक्कर में कजन कहां कहां से फोन लगवा देंगे। इतने मतलबी संसार के लोग हैं री जीजी, अब तुम यहीं देख लो री, परसों की कथा पूरी होगी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।